ही खब ऋषुयम बरकी। और श्री जनक राज के धाम चले राम जी सीता के स्वयंवर को देखने के लिए महाराज आगे बढ़े। द्वादशी को कुवार की सुखिला होरी द्वादशी को को महाराज राम जी सीता के स्वयंवर को देखने को चले। लेकिन हुआ क्या, उस झाड़ी में प्रभु ने देखा, क्या देखा लाला, उस झाड़ी में हर ने देखा पत्थर की पाई नारी
श्री राम ने देखा पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। राम जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या देख रहा हूं? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने अहिल्या के साथ में जब छल किया था तो गौतम ऋषि ने इनको श्राप देकर के पत्थर बना दिया था। बेटा राम अगर तुम्हारे चरणों की धूल इन पर पड़ जाए तो इनका उद्धार करो। अब राम जी ने गुरु जी की आज्ञा तो पाली, लेकिन माता का रूप है, चरण रज लगाए कैसे? इधर गुरु का आदेश है, तो भगवान श्री राम ने गुरु का आदेश का पालन किया और चरण रज लगाई तो विमान आया। विमान में बैठ करके अहिल्या परम धाम को, बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम जी और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हुए चले हैं। कहां पहुंचे भैया? भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र पहुंचे हैं महाराज जनक के फूल बाग के नजदीक। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा राम आज की रात हम यहीं बताएंगे और कल होगा सीता के स्वयंवर को देखेंगे, तुम बगिया में चले जाओ कुछ फूल ले आओ। अब राम जी को जब आज्ञा दी है तो राम जी और लक्ष्मण जी आज्ञा पा करके किनकी? गुरुदेव की। आगे बढ़े संत खड़ा और कुंजों की पहरे यादव जी हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं भगवान सुख और शांति दे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बगिया के पास में पहुंचे। श्रोताओं बगिया के पास में जाकर के जैसे ही फूल लेने के लिए आगे बढ़े वैसे ही परीक्षित जी माली आ गया। माली ने कहा, रुको 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 ए रुको। अब भगवान श्री राम रुक गए और जब राम जी रुक गए तो माली बोला, कौन हो तुम लोग? राम जी बोले, भैया मैं राम हूं और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। कहां जा रहे हो? बोले बाग में जा रहे हैं। माली एकदम से अकड़ करके बोला, बाग क्या तुम्हारे बाप लगा के गए थे? लौटो पीछे। ओए असो नहीं, पीछे लौटो। अब राम जी ने कहा, माली भैया कैसी बातें कर रहे हो तुम? माली बोला, अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या? बोले हाँ। राम जी बोले, देखो मैं फूल लेने के लिए जा रहा हूं और लौट करके जल्दी आ जाऊंगा। माली बोला, नाना ना नाना ना, बगिया के अंदर नहीं जाओगे, ये जनाना बाग है। लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, रुको भैया रुको रुको, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो उस माली को पटक पटक के मार डालू। अब राम जी बोले, रुक जाओ लक्ष्मण, तुम तो बार बार उत्तेजित होने लगते हो। रुको, तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ पर अपनी ससुराल हो बारी।